सत श्री अकाल। दिवाली तो त्यौहार दिया साढ़े सारे दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक। और दिवाली तो पहला जो वक्ो वक् बाजार होंगे ने बेहद खूबसूरत तरीके सजे होंगे ने। अच्छ असं भी एक बाजार पहुंचे हाँ सदर मार्केट, दिल्ली की सदर मार्केट, जिस खासियां रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली के मौके पर तुम अपने घर में सजाना है खूबसूरत तरीके खूबसूरत लाइटनिंग करनी है, खूबसूरत फूलों के सजावट करनी है, तो हर एक समान जो थोड़ी वाजिब कीमतों के आधार पर मिल जाएगा, थोड़ी पॉकेट के हिसाब के मिल जाएगा। आओ शुरुआत करते हैं। तो दिवाली के मौके पर खूबसूरत सजावट जो है मार्केट के देखने को मिल रही है। असं देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टाल लगाए हुए ने दुकानदारा ने और खूब खरीदारी लोग इतने करन दे लई पहुँचते हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो लोग होंगे ने जो स्टाल सो वक् हो के अलग तरीके दे नाल सड़क के किनारे बैठे होंगे ने, रस्ते के किनारे बैठे होंगे ने। इन्हों खासियां उम्मीदा होंदिया ने कि इन्हों को भी कोई खरीदारी कर ले। माता जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम शारदा। शारदा, शारदा जी ये आप दिवाली के मौके पर आप ये सब हर साल आप ऐसे ही बैठते हैं? आप यहाँ भी बैठते, कभी बाहर भी बैठ जाते, बाहर बंद कर दिए तो यहाँ बैठ जाते। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं करता है? परेशान तो नहीं करते, पर काम नहीं चलता, काम ज्यादा नहीं चलता, काम नहीं चलता, काम रोड पे चलता है, वहाँ बैठने नहीं देते। तो फिर आप यहाँ पे क्यों है बैठे? जब रोड पे बैठने नहीं दे रहे तो यहीं बैठेंगे। तो आप क्या बेच रहे हैं थोड़ा सा आप दिखाओ जरा, ताकि कुछ लोग आए यहाँ पे आपसे खरीदारी भी कर सकें। ये क्या कहते हैं इनको? पत्ती। पत्ती ये घर की सजावट के लिए काम आते हैं? हाँ जी, घर के सजावट के लिए। और ये सब? ये चौखट पे लगाने, ये चौखट पे लगाने के लिए। ये शुभ लाभ का है और दिवाली के मौके पर लगाना इसको बहुत शुभ रहता है। हाँ बहुत शुभ रहता है, अच्छा रहता है। हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली। क्या कुछ बेच रहे हैं आप? लड़ियाँ बेच रहे हैं जी। लड़ियाँ हैं ये और लोग खरीद रहे हैं जी? यस। कितना लोग कितने क्रेज के साथ खरीदते हैं? जो उनका हिसाब का बेचते हैं। बिक रहा है अच्छा सामान। आप बताएं, आप भी लड़ियाँ बेच रहे हैं? खूबसूरत लड़ियाँ हैं इनके पास। और कैसे खरीदारी हो रही है सबकी तरफ? सही हो रही है मैडम, अच्छे से खरीद रहे हैं सब? अच्छे से खरीद रहे हैं सब। कमाई अच्छी हो रही है दिवाली के मौके पर? ऊपर वाले तो बस हो रही है ठीक। दिवाली के मौके पर घर खूबसूरत रंगोली के नाल सजाना, खूबसूरत डिजाइन तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा समय के सब कुछ जो है रेडीमेड मिल जाता है। कुछ इस तरह रंगोली के नाल खूबसूरत सजावट करने के लिए सामान है। भैया ये क्या है? फ्लोटिंग कैंडल है मैम। ये फ्लोटिंग कैंडल है, मैं इधर आ जाती हूँ। ये फ्लोटिंग कैंडल है? हाँ जी मैम। और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? किसी भी बोल में पानी भर के ना, एक रुपए गिलास में। ये जो आप फूल देख सकते हैं ये यही फूल है? हाँ जी हाँ जी। और ऐसे लगा के छोड़ दो बस। और तो ये तैरते रहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी हाँ, ये तैरते रहेंगे ऐसे इस पर। और कितना समय तक चल जाते हैं? एक बत्ती 8 घंटे चलती है मैम। एक बत्ती 8 घंटे चलती है। और रंगोली के साथ जुड़ा ये भी सामान आपके पास पड़ा है? किसी को अपने हाथ से रंगोली तैयार करनी है तो बहुत सारे कलर्स ने थे, तुसी किसी भी कलर नू इस्तेमाल कर सकते हो। पिंक है, ग्रीन है, रेड है, और भी कलर ने, ग्रीन कलर है। और कुछ इस तरह बॉटल्स है विच भी रंगोली है, इन बॉटल्स को भी इस्तेमाल करते हैं लोग? हाथ से बना लो या सांचा मिल जाता है इनका? इनका सांचा मिलता है। सांचा है आपके पास? हाँ जी। अच्छा ये सांचा दिखाइए ज़रा, सांचा दिखाइए ज़रा। ये सांचा 30 रुपये का एक पड़ता है। तो इस तरह के जो ने सांचे आते ने, अलग अलग डिजाइन ने। देखो किसी ते कार्तिक का निशान बनया, शुभ लाभ भी लिखा हुआ है, और अलग अलग इस डिजाइन ने। और अपने अपने तरीके दे नाल लोग रंगोली दे नाल अपने घरों सजाते हैं, तो तुसी भी जरूर रंगोली का इस्तेमाल करो क्योंकि बहुत शुभ मनिया जाता है इसमें। दिवाली के मौके पर घर की खूबसूरत सजावट का ये भी एक हिस्सा है। थैंक यू। तो ये बच्चे आप क्या बेच रहे हो दिखाओ, क्या बोलते हैं इसे? गंटरिया। गंटरिया। क्या? घंटी। घंटी, ये घंटी है ये दरवाजे पे टांगने के लिए है? वो लकी बेल्स जिसनों आप कहने हैं कई बार, बड़ा खूबसूरत बाजारों के विच मिलता है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी ने जो इस काम में लग जाते हैं कि लोग इन्हों घंटिया खरीदन, अपने घर को खूबसूरत तरीके से सजान। ये दिवाली पे आप बेचते हो हर साल? इसे बेचते हैं। कितने साल के हो आप? 4-5 साल। 4-5 साल के हो? और कितने का है ये? 100 रुपये का। 100 रुपये का है, तो मैं ले लूँ आपसे? कितने हैं ये? दो। दो ले लूँ आपसे?
ठीक है, तो ये दो मैं आपसे ले रही हूँ। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे? कोई डिस्काउंट नहीं? 80-80 का लगा लो, 50 का लगा लो, नहीं 80 का लगा लो, कितने का लगाओगे? डिस्काउंट तो दे दो। 100 रुपये। 100 रुपये का दोगे? चलो ठीक है, मैं दोनों आपसे ले रही हूँ। ठीक है, चलो फिलहाल शॉपिंग दी शुरुआत मैं भी कर ली। फिलहाल बहुत खूबसूरत तरीके दे नल मार्केट से सजिया हुई ने और एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया ने किसी भी ग्राहक नू। अपने वाल खूबसूरत फूल ने, छोटे छोटे फूल भी ने, छोटे छोटे फूल भी ने, तुसी कर नू किसी भी तरीके दे तुसी सजा सकते हो। थोड़े घर दे विच वास है, तुसी वास दे लई ये सब चीज़ा खरीद सकते हो और कोई भी कलर, बहुत सारे ऑप्शन है थोड़े को। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਲਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। तो सदर मार्केट की ये खासियत है कि आपकी पॉकेट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं लोगों को। जी, सबके साथ कोऑपरेट किया जाता है, मतलब जैसे आज के टाइम में बाज़ार के अंदर सभी के मिडिल क्लास हो या मतलब नॉर्मली कोई भी इंसान हो। यानी कि कई बार कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती है लेकिन उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं उसके साथ, मैनेज करते हैं ताकि जो भी ग्राहक आए वो खुश होके जाए। आपकी दिवाली हो और उनकी। जी जी, दिवाली कोई अच्छा सा मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि दिवाली का, क्योंकि हर त्यौहार जो एक संदेश देके जाता है, दिवाली भी ऐसा ही एक त्यौहार है, बुराई पर नेकी की जीत का त्यौहार है, ये रोशनियों का त्यौहार है, आपसी भाईचारक खुशियों का, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, एक आपस में दिल मिले रहे वो त्यौहार है। ये हम लोग आपस में काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के काम करते हैं यहाँ पर, सब में बहुत अच्छा प्यार है, प्रेम है, एकता है हम लोगों में, एक दूसरे के साथ एक खड़े रहते हैं परेशानी में, खुशहाली में, और अपने कारोबार करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। और यही जो है हर एक त्यौहार की खूबसूरती है, हर त्यौहार मैसेज यही दिंदा आपसी भाईचारक शान का कि हर त्यौहार हर एक भाईचारा आपसी मेल मिलवर्तन दे नाल एंजॉय करे और प्रेम आपसी बनिया रहे, भाईचारक सांझ बनी रहे। एक हम ट्रस्ट भी चलाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता सेवा समिति, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, वो हम ट्रस्ट भी चलाते हैं, अपना एनजीओ भी खोल रखा है हमने, जिसके अंदर हम सब साथियों को एक साथ लेके चलते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ हम हर किसी की परेशानी अपनी परेशानी को समझते हैं और सबके साथ लगे रहते हैं। बिल्कुल, ऐसी कोशिश जो है, ऐसी जो कदम है, पहल हर किसी को किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मौजूदा वक्त ऐसा है, सबका मिलजुल कर आगे चलेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज कल जो है ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा फैशन बन गया, लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, लेकिन जब तक तुम ग्राउंड से उतर के नहीं देखोगे, क्योंकि इतने भी बहुत सारे ऑप्शन ने, समा बीतता उसके नाल नाल फैशन के नाल नाल जो है नवी नवी चीज़ा भी मार्केट के आ जाती ने, शायद थोड़ा ऑनलाइन ना मिल पा और बहुत किफायती रेट तो थोड़ा इस तरह के बाज़ारों के मिल जाएँ। भैया जी से बात करेंगे, भैया जी ऑनलाइन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास है ऑनलाइन नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं है जी, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन में ऑप्शन है कि आगे देखेंगे, चेक करेंगे, लेंगे, ऑनलाइन में तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है, वो तो फोटो में देखा और पिक्चर देखी और मंगा लिया, और कई बार फिर उसको रिप्लेस भी करवाना, रिप्लेस भी कराते हैं, समय भी खराब। तो यहाँ पे जैसे कोई ग्राहक आया, उसने अपने हाथ से आप कोई भी चीज़ उठा के देख सकते हो, सब कुछ चेक करके कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है या कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी तो नहीं है, किसी डिज़ाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ऐसे डिज़ाइन जो है आप अपनी आँखों से खुद से छू करके आप इनको देख सकते हैं और फिर खरीदारी हो सकती है। तो आपको लगता है कि ऐसी खरीदारी करना ज़्यादा बेटर है? कस्टमर के लिए तो बढ़िया है जी, और हम बैठे भी उन्हीं के लिए हैं, वो आएंगे तो अच्छी सर्विस भी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, चीज़ देखेंगे वो मार्केट में क्या नया है क्या नहीं है। अब ऑनलाइन में तो उन्होंने पिक्चर देखी घर बैठे बैठे, ऑनलाइन कर ली खरीदारी। सदर मार्केट की खासियत क्या है? यहाँ हर चीज़ मिलती है, सुई से लेकर पॉकेट के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से जैसी पॉकेट वैसा माल, हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों के रेट्स मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ये बहुत खूबसूरत है, बालकनीज में लगा सकते हैं इनको आप, अपने रूम्स में, आप अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं। ये कितने का है? इसमें तीन साइज है। तीन साइज है, सिंगल, ठीक है। आपके हाथ में तीन रिंग में है, ये 100 रुपये है, और ये 4 रिंग वाला है, ये 120।
120 तीन साइज है इसके अंदर। मुझे मैनू नहीं लगता है कि इन्ना सस्ता जो है ऑनलाइन तुम कितने खरीदारी कर जाओगे इन्ना सस्ता तो नहीं मिलेगा। और इस ये फुटबॉल ऐसी ये बॉल के साइज है, इसमें तीन साइज है, ये 150 रुपये, इसमें एक छोटा साइज है 100 रुपये, इससे एक छोटा साइज है 60 रुपये। तीन साइज बॉल में भी आते हैं, ऐसे बॉल के गुच्छे भी मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटियां जो हैं। कहते वैसे तो दीवे जो ने और जलाने बहुत ज़्यादा शुभ मने जाते हैं, क्योंकि तेल का जलना सरों के तेल में जलाना दिवाली के मौके पर बहुत शुभ मनिया जाता, वातावरण के लिए भी और ब्रह्मांड के लिए भी सारे खुद के लिए भी। तो कैंडल्स भी खूब बाजार के ने और बहुत किफायती रेट के और तुसी इस तरह रंग बिरंगिया कैंडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस वेले तुसी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है, कुबेर की पूजा करनी है, उस वेले तुसी इस तरह दिया रंग बिरंगिया कैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत खूबसूरत भी लग दिया। रंगोली दिए हैं आजकल अब नए सब चल गए जैसे रंगोली डेकोरेशन करते हैं, ये रंगोली दिए हैं बनाई रंगोली डेकोरेशन, रंग रखा और कैंडल लगाई इसके अंदर रंगोली तैयार। और यहाँ पे और साइडों में कलर भी डाल सकते हैं, फूलों से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, रंगोली बन जाएगी। ठीक है, और ये कितने का है? 120 रुपये। ये सिर्फ 120 रुपये का। तो सोच सकते हो कि ऑनलाइन इतना सस्ती कोई चीज़ मिल सकती है। खैर ऑनलाइन जिन्हें शॉपिंग करनी है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो है प्रायोरिटी यही है कि तुसी ग्राउंड पे जाके मार्केट के खुद जाके शॉपिंग जरूर करो, ज़्यादा बेटर तरीके शॉपिंग हो जाएगी। तो रंगोली इस तुसी खूबसूरत तरीके बना सकते हो, कलर्स लेके आ सकते हो, तुसी रेडीमेड कलर्स मिलते हैं रंग बिरंगे, और सेंटर के दिया जला सकते हो और अपनी दिवाली नू तुसी रोशनियों के हो ज़्यादा रोशना सकते हो। तो रंग बिरंगियाँ लाइटा खूब ज़्यादा अपने तुहाडे घर नू रोशना सकदियां ने, कई मीटर की वायर होंदी आ और तुसी इहनू किन्ना भी लंबा किसी भी तरीके दे नाल खूबसूरत डिजाइन अपनी बालकनी से अपने रूम्स दे विच अपने ड्राइंग रूम्स दे विच भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हर मल्टी कलर दे विच मिल जाते हैं, कोई ग्रीन है, कोई एक्चुअल कलर दे विच है, कोई रेड कलर दे विच है। देखो ये दिए ने पूरे पूरे पैकेट भी मिलते हैं बॉक्सिस दे विच दिए ने, और दिवाली के मौके पर पूजा वाली जगह से तुम इन्ना खूबसूरत दीवा भी रख सकते हो। बहुत मेहनत की होंगी है घुमिहार ने इन दीव्या तैयार करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है और कई दिन पहले तो इसका काम शुरू हो जाता है, और जो घुमिहार ने इन दीव्या तैयार करने वाले ने कहते हैं 2-3 महीने पहले ही असं काम शुरू कर दें, क्योंकि बेहद खूबसूरत तरीके इन्होंने उत्ते पेंटिंग भी करनी होंगी है। भैया कितने का दी है? ये 40 रुपये की दी है। 40 रुपये का जी। और कोई भी दिया इनमें से? कोई भी 40 रुपये। और इतने अलग अलग से डिजाइन है सब? 50 डिजाइन है मेरे पास। 50 डिजाइन? जी जी 50। तो लोग खरीदते हैं? हाँ बहुत खरीदते हैं। तो ये इतना खूबसूरत माता जी जो है जो गणेश लक्ष्मी की पूजा होंगे उसमें ये जोत जलाया जाता है, जिस वक्त पूजा करते हैं शाम के वक्त जी जी उसको जलाया जोत जलाया जो ये अखंड जिसको कहते हैं कि पूरी रात भर चलता है जी जी वही अखंड जोत है ये। ठीक है, और कितनी खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते हैं सदर मार्केट में? पूरे ऑल इंडिया से आते हैं मेरे पास। ऑल इंडिया से आते हैं जी, मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट द्वारा भिजवा देता हूं उनके घर पे, दुकान पे, शॉप पे भिजवा देता हूं मैं। अगर कोई ऑर्डर करे तो आप भेज दें? मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया भेजता रहता हूँ। हाँ हाथी जो है प्रतीक है तरक्की का, बहुत शुभ मनाया जाता है हाथी नू दिवाली वाले दिन घर लेके आना है पूजा करनी। कैंडल्स जो होंगे ने टी लाइट्स बोलते हैं, ये तुम रख सकते हो, और एलीफेंट बनया हुआ हाथी बनया हुआ कितने गूगल पर भी सर्च करोगे, अगर किसी जानकार नू ज्योतिष नू भी पूछोगे तो हाथी बहुत शुभ होता है जी जी। दिवाली के मौके पर जी जी। तरक्की का प्रतीक इसको माना जाता है, घर में लाना इसलिए शुभ माना जाता है इसे। दिवाली ऑल आइटम मेरे पास होते हैं। कितने खूबसूरत कैंडल्स ने, ये इको फ्रेंडली है जी जी। ये 40 रुपये की होलसेल रेट है इसका। ये पैकेट 40 रुपये का जी, है। जी जी जी। मैंने नहीं लगता कि 40 रुपये का ये पैकेट मिलेगा। 4 कैंडल्स ने इस विच ने खूबसूरत और शाइन है, ग्लिटर ग्लिटर वाली कैंडल्स ने, खुशबू आती है इनमें से जी जी। ये देखिए और कैंडल्स खुशबू आती है, पूरा घर जो है महक जाता है। तो जितने कितने भी तुम नज़र पाओगे, देखो कितने भी तुम नज़र पाओगे तो बेहद खूबसूरत सजावट है, और सदर मार्केट की एक होर गली दे विच असीं एंटर होए हैं जिते तुम देखो किन्निया रौनकां ने और खूब सजावट है। तो एक सजावट जो है दरअसल मार्केट दे विच तुसीं जरूर देख रहे हो, लेकिन ये सजावट दी चीज़ां तुहाडे घर दे लई रखियां होईयां ने। तो इन्हां दी खरीदारी करन दे लई एक बार सदर मार्केट जरूर ट्राई करो। ओ भैया क्या है? माला है ये, भगवान को चढ़ाने वाली माला है। हाँ? हाँ।
ये भगवान भगवान को चढ़ाने वाली, क्योंकि जो असी माँ लक्ष्मी ते गणेश जी की पूजा करते हैं उस वेले माला चाढ़ी जाती है, तो इस तरह मोतियां दी, कोडियां दी और सिप्पियां दी माला फुल इहदे उत्ते नाल बनाए हुए ने, तो इस तरह की माला तुसी खरीदो बहुत जो मूर्तियां ने जिन्हां दी तुसी पूजा करनी है माँ लक्ष्मी ते गणेश जी की, ये माला होर ज़्यादा खूबसूरती वधाएगी थोड़े मंदिर की। हर साइज़ की माला है, छोटे के छोटे भगवान के लिए और बड़े सब हर साइज़ की मूर्ति जैसी आपकी थोड़े मंदिर दे विच है उस साइज़ दे विच तुसी माला खरीद सकते हो। और ऐसा है क्या कि ये जैसे आपने बांध के रखा हुआ है तो ये 12 हैं, तो 12 के सेट के हिसाब से आप देते हैं? हाँ। तो अगर किसी को एक सेट लेना हो? कम से कम दर्जन ही ले सकते हैं। दर्जन तो लेनी है तो मतलब एक पीस या दो पीस नहीं ले सकते? तो कुछ दुकानें इस तरह दिया भी नहीं, क्योंकि क्योंकि पीस ने और 12 का सेट है और सेट ना खराब हो जाए इसलिए पूरे 12 माला तुसी ले सकते हो, लेकिन बहुत रेट घट ने। तुसी सोचो बाजार दे विच भी तुसी जाने हो माला लैन दे लई तो 100-200 तो घट नहीं आती, लेकिन उस ही रेट दे विच तुहानूं दर्जन माला मिल जाती है जो नैक्सट दिवाली ते भी तुहाडे काम आ सकदी है, या फिर अगे होर त्यौहार भी आ रहे हैं जदों तुसी भगवान की पूजा करनी होंदी है, जिते भगवान की पूजा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होंदी है, चाहे भैया दूज का त्यौहार है चाहे कुछ होर तैयार त्यौहार अगे आउंदे ने, तो माला फिर उत्थे काम आ जांदियां ने। खूबसूरत लाइट्स सदर मार्केट दे विच गली है, एक छोटी जी गली है और तुसी खूबसूरत लाइट्स देख सकते हो, कितनी वैरायटी है और थोड़े कोल बहुत सारे ऑप्शन ने भगवान दिया तस्वीर भी जिन्हां दे उत्ते बनिया हुई ने, लाइट्स दे उत्ते ओम लिखा है, भगवान श्री गणेश जी बने हुए ने, माँ लक्ष्मी भी है और इस तरह के खूबसूरत लाइट्स ने। क्या रेट है इनका? बहुत सस्ते हैं जी सब ये। हाँ ये 50 रुपए से शुरू हो जाती है हमारी आइटम में, 50 रुपए सिर्फ मगर होलसेल में डील करते हैं। हाँ। मिनिमम 10 पीसेस 10 पीस अगर कोई लेगा तो ये एक पीस नहीं, 500 का एक पीस नहीं, नहीं एक पीस नहीं, रिटेल में नहीं करते सब ये, जैसे ये 100 रुपए का पीस है 1000 के 10 जी, मतलब किसी को गिफ्ट करना हो, मान लो तुसी किसी को लाइट्स गिफ्ट करनी है ने, तुसी बल्क दे विच तुसी 10 पीस या 12 पीस ले सकते हो। हां 10 पीस 12 पीस ले सकते हो ना, तो वो मतलब किफायती थोड़ी पॉकेट दे हिसाब दे नाल है, तुसी किसी को रोशनी गिफ्ट भी कर रहे हो ता एक बढ़िया ऑप्शन है। देखो बहुत सारे ऑप्शन है इस दे विच, ये बालकनीज दे विच लगाने दे लई है जी, ये बालकनीज दे अंदर लगदा है, लोग गार्डन्स दे अंदर लगांदे है, फार्म हाउसेस में लगाते हैं जी। और ये चीज मंदिर या ये मंदिर में लगता है जी, इन्हों कोई भी मैं पीस लेना होए तो मैं 10 पीस एटलीस्ट लेने, एटलीस्ट 10 पीसेस लेने होएंगे मिनिमम, एमओ क्यूज जो है साड़ी वो 10 पीसेस दा रहंदा है। अगर मान लो कि मैं अपनी फ्रेंड्स नु मैं गिफ्ट करना और मैं गिफ्ट करन दे लई मैं खूबसूरत है और मेड इन इंडिया और स्वदेशी जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए है, और 30 रुपए का पीस है, तुसी अगर अपने किसी दोस्त नु देना भी चाहते हो मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ 30 रुपए, बहुत सस्ता है जी, बहुत सस्ता है जी, और ये 10 पीस 350 दे आ जाएंगे और 300 तो कट तुसी किसी नु की गिफ्ट करोगे जी जी जी, दिवाली के मौके सिर्फ है प्राइस करके ही साडी दुकान ते भीड़ लगी रहती है जी। फिलहाल रोशनियां दा त्यौहार है, रोशनियां दिखाउणियां बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये त्यौहार ही रोशनियां दा, रोशनियां बिना तो फिक्का त्यौहार है जी। किसी गिफ्ट करना बढ़िया ऑप्शन है, गिफ्ट सदर बाजार इस बारी 2024 दिवाली खुशियों से मनाओ आप, और बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है दिवाली में सदर बाजार में, वेलकम टू सदर बाजार। और कितने साल पुरानी दुकान है थोड़ी? सन 70 दा 76 दा वो है, 76 दा साडे कोल जीएसटी नंबर है जी, वो काफी मतलब 30-35 साल पुरानी दुकान है। ठीक है, और ऑनलाइन भी है थोड़ा? हां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर दें जी। मिट्टी के दीवे तो उन्होंने दिखाए, असी थानू इलैक्ट्रिक दीवे हुण दिखाने जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी के दीवे दिखाए तो मोमबत्तियां वाले मोम वाले दीवे थानू दिखाए, इलैक्ट्रिक दीवे भी ने जो तुसी पूजा करनी है माँ लक्ष्मी के गणेश भगवान की, तो उस वेले इलैक्ट्रिक दीवे का भी खासा चलन होना हो गया है। भैया ये इलैक्ट्रिक दीवा दिखा सकते हैं क्या आप हमें जी? तो आप छोटे से शुरुआत कर दें, छोटा वाला स्टैंड से हमारा 40 रुपीस का, कितना 40 रुपीस का 1 स्टैंड है, उसके बाद
जैसे स्टैंड बढ़ते जाएंगे उसका 20-20 रुपीज बढ़ते जाएंगे। और आपके पास ये एक आवाज भी है इलेक्ट्रिक? वो 300 का मैम। 300 का आवाज है और एक ले सकते हैं? बिल्कुल मैम, सबके लिए सामान दे सकते हैं। 10 या 12 लेने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। जो एक पीस के लिए भी हम उसको भी देते हैं, जो 10 पीस लेंगे हम उसको भी देंगे सामान। इलेक्ट्रिक दीवे भी तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ना देखो पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो और ये कितना लाइट खींच लेगा? बिल्कुल नॉर्मल वोल्टेज लेता है, आपका बिजली का खर्चा नहीं बैठता इसमें। बिजली का खर्चा नहीं है। और वैसे भी जो दिवाली तो लेके न्यू ईयर तक और आगे तक जो है लाइट्स देना लड़ियाँ देना लोग अपने घरों सजाते हैं, तो ये नॉर्मली तुसी इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने पूजा घर के खूबसूरत सजावट करने के लिए भी। भैया एक अगर दिए की लाइफ कितनी है, कितना चल जाता है? मैम खराब ही नहीं होंगे, पहले बात खराब नहीं होंगे कम, आप बहुत सस्ता सस्ता है और आपका 2-4-5 साल ऐसे चल जाएंगे। जिस तरह नहीं होंगे कि हम सदर से खराब चीज लेके जा रहे हैं, जैसे लड़ियां हैं हम लड़ियां लगाते हैं दिवाली पे और नेक्स्ट दिवाली फिर वही लगाते हैं, तीसरी दिवाली चौथी दिवाली लगाते लपेट के रख देते हैं। हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर है मैम इसका। ठीक है।